हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इस बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूं। इस बुक का नाम है सामान्य ज्ञान, और जितने भी लड़के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं इसे येलो बुक के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस बुक का मैं पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इस बुक का आप लोग फ्री PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह बुक किस एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो SSC के आल एग्जाम जैसे CGL हो गया, CPO हो गया, CHSL हो गया, MTS और SSC GD का जो वैकेंसी आया है उस एग्जाम के लिए ये तो रामबाण बुक हो सकती है। और बात कर लेते हैं कि रेलवे एग्जाम जैसे RPF हो गया, ग्रुप D, NTPC आल एग्जाम के लिए उपयोगी है। और जैसे कि स्टेट लेवल का जो एग्जाम है, पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, SI हो गया, और जो भी लड़के लड़के NDA और CDS की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है। बात करते हैं कि यह बुक आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो यह बुक आप लोगों को अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। चलिए इस बुक का और अच्छे से हम लोग रिव्यू करते हैं। ये सामान्य ज्ञान का बुक, देखिए फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, UP पुलिस, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, जेड वार्डर, फायरमैन और SSC के ऑल एग्जाम जैसे CGL हो गया, CPO, CHSL, GD, MTS और रेलवे के ऑल एग्जाम और बैंक आदि सभी एग्जाम के लिए यह बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आप लोग NDA और CDS के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप लोग ये बहुत ही बेस्ट बुक है। चलिए हम लोग बुक का हम लोग फर्स्ट पेज देखते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट पेज, ये है अंकित सर, जो कि अंकित सर ने इस बुक को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, जो कि आज के डेट में हर एक एस्पिरेंट के जबान पे ये है येलो बुक, क्योंकि येलो बुक इतना अच्छे से इसमें ये अंकित सर लिखे हुए हैं ना कि आल सब्जेक्ट आप लोगों का बस मात्र ये इतना पतली से बुक पढ़ लेंगे तो आप लोग का सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा हर एक एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, विविध हो गया और खेल, विज्ञान, कंप्यूटर। तो हम लोग एक एक करके सब लोग सब्जेक्ट बारे में थोड़ा देखते हैं अंदर से कि इसमें कैसा दिया हुआ है। देखिए ये इतिहास, मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, जितना हो सके मैं आप लोग को बहुत कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को सब दिखाई दे। तो हल्का सा और जूम कर लेता हूँ। तो देखिए ये इतिहास, इतिहास के जनक हेरोडोटस हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखी गई है, और थोड़ा मोड़ा आपको मैं पढ़ के सब दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से हो जाए। देखिए मतलब क्या है ना कि ये एक तरह से आप लोग समझिए कि ये नोट्स है, और आप लोग हिस्ट्री कोई नोट्स बनाते हैं ना कोई टीचर से पढ़कर, तो जो जो मेन पॉइंट होता है कि जो एग्ज़ाम में पूछता है केवल आप लोग उसी को नोट करते हैं। तो ये उसमें यही किया गया है इस बुक में कि जो जो टॉपिक है ना उस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन फंसने वाला है, यानी कि अगर इतिहास है तो इतिहास का आप लोग कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, सब टॉपिक को कवर करके जो जो टॉपिक से जितना क्वेश्चन आ सकता है वो पूरा इसमें दिया हुआ है, यानी कि आप लोग का ये टू द पॉइंट दिया हुआ है। तो ये इतिहास, इतिहास को मैं आप लोग को सब प्लाट के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जैसे मैं अगर सिंधु घाटी जो टॉपिक है तो सिंधु घाटी से इसमें सारा टॉपिक दे दिया है ताकि इस टॉपिक से आप लोग कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो वो फंस मतलब बचेगा नहीं, आप उसको हमेशा कर ले जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही आप लोगों को मैं सब करके दिखा दे रहा हूँ। और ये है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में सब दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो आगे है संविधान, कौन सा है संविधान। तो संविधान देखिए पहले दिया है संविधान का विकास कैसे हुआ था, इसके बाद यानी कि संविधान कैसे कैसे लिखा गया, भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई, इसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएँ इधर दिया हुआ है, और इसके बाद ये कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था इसमें दिया है। यानी कि एक तो समझे कि यह एक नोट्स की तरह है कि आप लोग केवल बस आप इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो आगे सब्जेक्ट देखते हैं, आगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो आगे सब्जेक्ट है भारत का भूगोल, यानी कि भूगोल में सब दो में आ जाता है, वर्ल्ड और इंडियन। तो पहले तो वर्ल्ड दिया हुआ है, ब्रह्मांड हो गया, सौरमंडल, तारा, मंदाकिनी, और इसके बाद आगे देखते हैं सब मैं आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में मतलब देखकर आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग के लिए यह बुक अच्छा या नहीं है। विश्व में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में ही है, और आप लोग को आगे देखता हूँ सब कुछ दिया है। आगे कौन सा सब्जेक्ट है, आगे सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में का भी इसमें अच्छा खासा सब दिया हुआ है। GS का मतलब यही तो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब यही सब सब्जेक्ट GS में आता है। तो आप लोग ये सब पढ़ लेंगे तो आप लोग का GS आराम से तैयार हो जाएगा।
हम भी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो हम भी इसी बुक से अपना तैयारी करते हैं। और इस बुक का अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो इस बुक का पीडीएफ मैं आप लोगों को इसी जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का भी और इस बुक का आप लोग को वहां पे सब पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहे, मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, आगे सब्जेक्ट देते हैं। आगे सब्जेक्ट है विविध। विविध में क्या क्या आता है, जैसे मैं विभिन्न देश का संसद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय और क्या क्या है जी, यूएनओ हो गया, लोकप्रिय उपनाम संगठन आता है, इसके बाद प्रमुख पुस्तक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं पुरस्कार, ये सब विविध में आता है। विविध का मतलब स्टैटिक्स में दिया है, लोक नृत्य में दिया है और शास्त्रीय नृत्य दिया है, भारत में प्रथम क्या है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है विज्ञान, पहले तो खेल है, ठीक, स्पोर््ट्स से सब दिया हुआ है, स्पोर्ट दिया है, इसके बाद विज्ञान दिया है। तो विज्ञान में पहले भौतिक विज्ञान दिया है, भौतिक विज्ञान का जो भी सारा चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है सब इसमें दे दिया गया है। फिर इसके बाद इधर दिया है, यहाँ से स्टार्ट है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान से भी सब क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा है, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान से भी जो जो चैप्टर आता है सब इसमें नोट डाउन कर दिया गया, आप लोग बस केवल पढ़ लेंगे, आप लोग इतना से जीव आप लोग बायोलॉजी तैयार हो जाएगा। तब आगे इसमें कौन सा चैप्टर दिया है जी, आगे आप लोगों को दिया है सब्जेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको इतना पढ़ लेंगे आप लोगों का कंप्यूटर से क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा। तो इस बुक का मैं आप लोग बता दिया कि पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगा, तो फ्री ऑफ पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर ये बुक का आप लोग फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग आगे बताइएगा कि किस बुक का मैं आगे रिव्यू करूंगा। तो तब तक के लिए जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।